नमस्कार, मैं हूं सुमन बंसल, टैरो कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर। बहुत बुरे समय से इस वक्त हम सब गुजर रहे हैं और जिस तेजी से संख्या बढ़ रही है कोविड की, सच में बहुत ही चिंताजनक बात है। अब तक बहुत से लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया होगा और समय ऐसा है कि कब क्या सुनने को मिल जाए कुछ नहीं कह सकते। अगर मैं डॉक्टर होती तो मैं आपको कोई मेडिकल एडवाइस देती, लेकिन अब मैं जो एडवाइस दे सकती हूँ, जो मेरा प्रोफेशन है, मेरे पास यही है, तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी, एक राय देना चाहूँगी। और बहुत ही गुप्त प्रयोग है जो आज मैं आप सबके सामने शेयर करने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनिए, माँ भगवती का मैं आपको सुरक्षा कवच प्रदान करने जा रही हूँ। इसको आपने कैसे तैयार करना है, बहुत सिंपल है। आप लोगों ने दुर्गा कवच का पाठ पढ़ा होगा, बहुत से लोग पढ़ते होंगे, और अगर नहीं भी पढ़ते तो अब पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैंने पिछले पाठ में भी जिक्र किया था कि उसमें नस नस और शरीर के हर तंतु तक की सुरक्षा की कामना की गई है, रक्त मांस अस्थि मज्जा मेद इत्यादि की सुरक्षा की कामना की गई है, बालों की नाखून की हर चीज की सुरक्षा की कामना की गई है। यहां तक कि मैंने बताया था कि दसों दिशाओं से भी सुरक्षा की कामना की गई है, देवी के दसों रूपों को ध्यान में लाते हुए। तो देखिए, अगर आप समय निकाल सकते हैं, अगर आप इतना कर सकते हैं, अवश्य ही दुर्गा कवच का पाठ कीजिए। लेकिन बात यह है कि इसको प्रयोग में कैसे लाया जाए। तो देखिए, दुर्गा कवच का पाठ आप प्रतिदिन करना शुरू कीजिए, हिंदी में ही सही जिनको नहीं आती। और बहुत से लोग कहते हैं कि जिनको हिंदी नहीं आती वो क्या करें। तो देखिए, जिनको हिंदी नहीं आती उनके लिए मेरा एक साधारण सा, एक सिंपल सा सजेशन है, एक राय है, और राय ये वैसे बहुत काम की है, कि उनको किसी संस्कृत टीचर से थोड़ा संस्कृत सीख लेना चाहिए। थोड़े से अभ्यास से उनको आने लगेगी और आवश्यक रोजमर्रा के जो पाठ है वो करने में सक्षम होंगे। आखिर हमें अपनी मातृभाषा से जुड़ना ही होगा। कब तक हम अनपढ़ता में जिएंगे और कब तक हम अज्ञान में जिएंगे? तो अगर हमें आगे बढ़ना है तो अपनी मातृभाषा से जुड़ना ही होगा। ऐसा कहा जाता है कि देव मंत्रों के अधीन होते हैं। तो देखिए, हमें इस संकोच को तोड़ना होगा। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अब वक्त आ गया है कि आप अपने आप की सुरक्षा भी करें और आप अपने प्रियजनों की भी सुरक्षा करें। तो मैं आपको बताने जा रही थी कि दुर्गा कवच का पाठ कि यह कितना महत्वपूर्ण है और इससे किस प्रकार से आपने एक सुरक्षा चक्र तैयार करना है, एक सुरक्षा का निर्माण करना है। आपने सिंदूर लेना है। सिंदूर कौन सा, जिसको हम रोली बोलते हैं, वह रोली आपने लेनी है। सबसे पहले आपने अपने गुरु का नाम लेना है। अब आप यहाँ ये भी कहेंगे कि मैम हमारे कोई गुरु नहीं है। देखिए, जिनके गुरु नहीं होते, अपने इष्ट देव को, या अगर आप माँ भगवती को अभी से मानने लगे हैं तो वह ही आपकी माँ है। जब सहज ही आकर्षण हुआ माँ में, तो समझो वह आपकी माँ है और वही माँ प्रथम गुरु हुआ करती है, होती है ना। प्रथम गुरु बच्चे की माँ ही होती है। तो आप माँ को अपना गुरु मानिए और उनका वंदन करते हुए उनसे प्रार्थना कीजिए और उनसे अपनी मनोकामना, अपनी अभिलाषा व्यक्त कीजिए कि मैं यह कार्य करने जा रहा हूँ। द्वितीय, आपने गुरु की वंदना के बाद क्या करना है, आपने गणेश जी का नाम लेना है, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य में, किसी भी पूजा में सबसे पहले गुरु वंदना फिर गणेश वंदना की जाती है। भले ही आप कोई छोटा सा भी काम कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने गुरु की आज्ञा लिए बिना, अपने गणेश जी की आज्ञा लिए बिना, अपने कुल के देवी देवताओं, अपने पितरों का स्मरण किए बिना सफलता नहीं मिलने वाली। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है और आप इसको याद रखिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बहुत से लोगों को अब समझ में आ जाना चाहिए कि भक्ति में सफलता के लिए और इष्ट की कृपा प्राप्ति के लिए ये चार चरण बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु वंदना, गणेश वंदना, और अपने पितर देवों का आपने नमन करना है, ग्रेटिट्यूड करना है, और आपने क्या करना है, अपनी कुल देवी को याद करना है। यहाँ पर अगर बात पितर देवों की चली है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप साधना के मार्ग पर हैं,
अगर आप जीवन में सुख चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, और अगर आप अपने माता पिता के इंसल्ट करते हैं, तो याद रखिए आपको साधना में सिद्धि नहीं मिलने वाली। क्यों नहीं मिलने वाली? क्योंकि जीते जागते पितृ तो आपके वही हैं। अगर आप उनके साथ तमीज से पेश नहीं आते, तो माफ कीजिए, कितनी मर्जी बड़ी साधना कर लीजिए, आपको कोई फल नहीं मिलने वाला। ये याद रखिए, किसी भी साधना में खरे उतरने के लिए अपने आप को बहुत चेंज करना होता है, क्षमा धारण करनी होती है, क्षमा मांगने की आदत होनी चाहिए। आपकी वजह से किसी को अगर जरा सा भी दिल दुखा, तो आप में इतना हौसला होना चाहिए, इतनी तमीज होनी चाहिए कि आप एक पल में क्षमा मांग लें। तो आपने आप में सौम्यता बहुत होनी चाहिए, आप में विनम्रता होनी चाहिए, आप में सभ्यता होनी चाहिए, ऐसे गुणों को धारण करना होगा। आप सोच रहे होंगे कि अब दीदी ने बात बहुत खींच दी है, लेकिन ये आवश्यक चरण है, और मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ, आपको जल्दी से किसी भी कोई भी इतनी जल्दी आसानी से ये चीजें गाइड नहीं करेगा, सीधे सीधे बता दिया जाता है, लेकिन ये आवश्यक चरण है और इनके बिना आपको सफलता नहीं मिलने वाली। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को जो भी कुछ गाइडेंस दूं, उसमें वो 100% खरे उतरे। अब मुझे इस वीडियो के बाद आपके कुछ दिनों में ही रिजल्ट भी चाहिए कि आपने मुझसे क्या सीखा और उसका क्या रिजल्ट रहा। तो आपने गुरु का वंदन करके और अपने कुल देवी देवताओं के वो पितरों को स्मरण करते हुए एक चुटकी रोली आपने हाथ में उठानी है। चुटकी आपने रोली की उठाई और आपने संकल्प किया माँ भगवती के आगे। आपको संस्कृत आती है तो अच्छी बात है, अगर आपको संस्कृत नहीं आती तो कोई बात नहीं, देव श्रद्धा और भाव देखते हैं, वे भाव ग्राही होते हैं। शास्त्र हमारा चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि देव सदा भाव ग्राही होते हैं। भाव ग्राही ना होते तो विदुरानी के हाथों के छिलके कैसे खाते, क्योंकि वो भाव से छिलके ही तो खिला रही थी, और ठाकुर जी ने उसके भाव छिलकों में देखे, केले में नहीं देखे, और उन्होंने वही भाव से ग्रहण कर लिए। तो आप इस बात की चिंता मत कीजिए कि आपको संस्कृत नहीं आती, आप हिंदी में कर सकते हैं। आपका इंटेंशन प्योर होना चाहिए, एकदम प्योर, एकदम एक पूर्णतया आपने डूब के, अध्यात्म में डूब के, और एकदम आपने डुबकी लगाकर मां से प्रार्थना करनी है, एकाकार होकर मां से आपने प्रार्थना करनी है कि हे भगवती, यह सिंदूर जो है, ये रोली जो है, मैं अपने परिवार की सुरक्षा के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए आपके मंत्रों से अभिमंत्रित करता हूँ या करती हूँ, और इससे मुझे संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो। इस प्रकार से संकल्प में ये इंटेंशन आपने रखनी है जो मैंने आपको बताई। वहां देव को ये बताना होता है कि मैं क्या कार्य कर रहा हूँ, मैं इस सिंदूर को अभिमंत्रित कर रहा हूँ, मैं क्यों कर रहा हूँ, ये मैं अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बताना होता है देवों को, कि मैं अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इस सिंदूर को अभिमंत्रित कर रहा हूँ। उसके बाद आपने उस चुटकी भर सिंदूर को, जितनी भी आपने सिंदूर अथवा रोली ली है, रोली आप लीजिएगा तो उस रोली में आपने उसको मिक्स कर देना है, और उसको मिक्स करने के बाद आपने अपनी रिंग फिंगर से उसको इंटेंशन देते जाना है और पाठ करते जाना है। आप इंटेंशन क्या देंगे? आप इंटेंशन देंगे, दुर्गा कवच में कुछ लाइनें आती हैं, मैं आपको सुना रही हूँ, आप जब उसमें ढूंढेंगे तो आपको वो संस्कृत में भी मिल जाएगा और नीचे हिंदी में भी ट्रांसलेशन किया हुआ मिल जाएगा। और यहाँ पर ये नहीं सोचना है कि मुझे संस्कृत नहीं आती तो हिंदी में क्या ये चार्ज होगा, बिल्कुल होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। माँ को हिंदी भी आती है, माँ हिंदी भी सुनती है, माँ इंग्लिश भी सुनती है, माँ को आप जिस भाषा में कहेंगे माँ सुनेगी। तो आपने कौन से श्लोक का उच्चारण करना है? दुर्गा कवच का है, प्राच्याम रक्षतु मामेन्द्री, अज्ञनम अग्नि देवता, दक्षिणे अवतु वाराही, ने तत्तम खड़ग धारणी, प्रतिच्याम वारुणी रक्षेत वायव्यामृगवाहिनी, उदिच्याम पातु कौमारी, ऐशान्यम शूल धारणी, ऊर्ध्वम ब्रह्माणी में रक्षेत दस्ताद वैष्णवी, तथा एवं दद्दिशो रक्षेत चामुंडा शववाहना। प्राच्याम रक्षतु मामेन्द्री, यानी पूर्व दिशा में, अज्ञनम अग्नि देवता, अग्नि कोण दशों दिशाएं होती हैं, यानी कि उत्तर पूर्व
और पश्चिम उत्तर पश्चिम और सॉरी पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। तो इस तरह से ये चार दिशाएं हैं, तो इनमें से भी चार कोण निकलकर आते हैं, यानी एक ऐसे और एक ऐसे। तो ये दस आठ दिशाएं हो गई। अब आप कहेंगे बची दो, दो कौन सी? आकाश और पृथ्वी। तो ये दस दिशाएं आपकी हो गई। तो इस प्रकार से आपने दशों दिशाओं से माँ के अलग अलग रूपों को विजुअलाइज करना है, विजुअलाइज करना है कि हम घर से बाहर जाएंगे और दशों दिशाओं में माँ हमारी रक्षा करेगी, रोगों से रक्षा करेगी हर प्रकार के। और इस तरह से आपने इस रिंग फिंगर से उसको रोली को चलाते हुए आपने ये पाठ करना है। अब बात आती है कि पाठ आपने कितनी बार करना है। तो देखिए, यह है आपकी श्रद्धा पर, आपके भाव पर डिपेंड करता है। आप इसकी एक माला चाहें तो एक माला कर सकते हैं, नहीं समय है आप 21 बार कीजिए, 31 बार कीजिए, 51 बार, लेकिन एकदम डूब कर कीजिए, एकदम डूब कर श्रद्धा से। और माँ के दशों दुशो जैसे आप बोलते हो, प्राचयम रक्षतु माम इंद्री, अज्ञानम अग्नि देवता, दक्षिणे तो वाराही, तो उन सभी रूपों को आपने स्मरण करने का प्रयास करना है। नहीं हो पाएगा तो भी चिंता की बात नहीं, माँ जानती है कि आपकी कितनी कैपेसिटी है। जिनकी है उनके लिए मैंने बताया है, और जिनकी नहीं है उनको माँ अपने आप एक दिन अपने काबिल बना लेगी, ठीक है ना। माँ अपने आप बच्चे को पात्रता देती है, माँ को पता होता है कि इस बच्चे का कितना लेवल है, तो उस हिसाब से उसको माँ पात्र बना देती है। तो आपने ये चार्ज कर लेना है, जितना आपकी श्रद्धा है, हैसियत है, हिम्मत। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपका ये हो गया तो आपने जिन देव शक्तियों का आह्वान किया था, आपने जिनको याद किया था, उन सबका आपने पुनः अभिवादन करना है, थैंक्स करना है, ग्रेटिट्यूड पे करना है। वो सब करने के बाद आप अपने स्थान से उठ जाएंगे, और सबसे पहले जैसा मुझे मेरे गुरुजनों ने बताया, जैसा मैंने अपने जीवन में सीखा, कि प्रथम चुटकी आपने उनको अर्पण करनी है, भगवान के नाम की प्रथम चुटकी निकालनी है कि मेरे इस सिंदूर को आप सिद्धि प्रदान कीजिए। तो जैसे ही आप उनको ये सिंदूर अर्पण कर देंगे, उसके बाद इसे आप प्रयोग में ला सकते हैं। अब इसको कैसे प्रयोग में लाना है, सिंपल सी बात है, रोली है तो माथे पर ही लगानी है। बिल्कुल आपने माँ का नाम लेते हुए, आप चाहे तो उस वक्त जितनी देर तक यहाँ पर उस तिलक को लगाते हैं, आप पुनः उस श्लोक को दोहरा सकते हैं, प्राचयम रक्षतु माम इंद्रिय अज्ञानम अग्नि देवता, इस तरह से करके। तो आपने अपने आप को करना है, और ये बहुत अचूक नुस्खा है। आपने अगर घर में अन्य जने आपके बाहर जाते हैं, आप उनको सुरक्षा देना चाहते हैं, आप उनको भी इस श्लोक को दोहराते हुए तिलक कर सकते हैं। उसके अलावा अगर ये एक बेहद बेजोड़ चीज है, और अगर आपको लगता है कि घर में किसी वक्त किसी को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ पेन है, फीवर हो गया है, या कुछ भी ऐसा, या नजर दोष लगता है, कुछ भी ऐसा लगता है कि बच्चे का चौक चौराहे पर कहीं पैर ना आ गया हो, इत्यादि, तो आप नमक राई से उसकी नजर उतारने के बाद इसका तिलक अप्लाई करें, और देखना कैसे चुटकियों में वह व्यक्ति ठीक हो जाता है। तो बहुत काम की चीज है और बहुत दुर्लभ है। मैंने आपको इसलिए दी कि मुझे आप सबकी चिंता है। ईश्वर आप सबको सुरक्षित रखे। आप जब भी घर से बाहर जाएं तो अपने प्रियजनों को इस प्रकार से सुरक्षा दें। जो कोई भी घर से बाहर जाता है उसको सुरक्षा दें, आप अपने आप को सुरक्षित रखें। ईश्वर आप सबको खूब खुशियां दे। इसी के साथ नमस्कार।